का इस्तकबाल है आज की अपनी क्लास में, और हम लोग शुरू करने वाले हैं मिर्ज़ा दबीर को, जो मरसिए में मीर अनीस के बाद एक अहम मकाम रखते हैं। ठीक, अहम मकाम रखते हैं, और इस बात का जिक्र हमें मवाज़ान अनीसो दबीर में मिलता है। मवाज़ान अनीसो दबीर तसनीफ है, उसमें मिलता है जो 1907 में क्या हुई लिखी गई है, अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ, और उसी में जो है वो काफ़ी बहस की गई है इन दोनों के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी का तनकीदी मुताला या किसी का तकाबली मुताला नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम हालात ज़िंदगी से उनके क्या हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। और हालात ज़िंदगी में जो है सबसे पहला सवाल यही आता है कि दबीर का असल नाम क्या है। तो मिर्ज़ा सलामत अली इनका असल नाम है, और तखल्लुस है इनका दबीर जो इन्होंने अपने उस्ताद ज़मीर के उसमें रखा। ज़मीर जो है वो इनके उस्ताद का नाम था। कभी कभी ज़मीर का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो लिख लेना मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर। और इनको जो है यानी कि मीर मुजफ्फर हुसैन को भी अपने शागिर दबीर पे जो है वो क्या था, बहुत फ़ख्र था, इसलिए जो है दबीर कहते थे। पहले तो ये शोहरा था ज़मीर आया है, अब कहते हैं उस्ताद दबीर आया है। दबीर आया है, तो मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर को भी अपने शागिर्द की उस्तादी पे क्या था, फ़ख्र था। ठीक है, और शागिर्द कौन था, दबीर था, और उस्ताद कौन था, ज़मीर था। और उस्ताद के बाद सबसे अहम मुकाम किसका माना जाता है, वालिद का। तो इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन जो है वो क्या था, इनके वालिद मोहतरम का था, जिनके आबा वजदाद कहाँ के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। और ईरान से ये कहाँ पर आके बसे, ये बसे दिल्ली में भी, कहाँ, बल्ली मारा अंदर, जहाँ पर पैदाई और जहाँ पर वालिद ने जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर की, वहीं पर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश हुई। कब, 1803 में, कहाँ पर, दिल्ली में। और वफात कब हुई, 1875 यानी कि 1875 में, कहाँ पर, लखनऊ में। पैदाइश 1803 दिल्ली में, और वफात 1875 लखनऊ में। और उनकी पैदाइश पर बताया गया था बख्त दबीर, और इससे जो है वो उनकी तारीख़ विलादत जो है वो निकाली थी बख्त दबीर के नाम से। ठीक है, और जब ये महज 10 बरस के थे, जब ये 10 बरस के हुए, तो इनके जो वालिद मोहतरम थे मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, वो उनको दिल्ली से कहाँ लेकर आ गए, लखनऊ आ गए। और यहाँ पर जो है वो एक मोहल्ला था जिसका नाम था मोहल्ला नखास। यहाँ पर आकर जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करने लगे। और जब दबीर 11 बरस के हुए तो इन्होंने जो है वो शायरी शुरू की। और तभी जब इन्होंने शायरी शुरू की, तो इनके वालिद मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन ने इनको जो है वो पेश कर दिया, किसके सामने ले जाके, मीर ज़मीर के सामने। और अपने वालिद के कहने पर ही मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने मीर ज़मीर की शागिर्दी इख्तियार की। और जब इनके शागिर्द बने, तभी जो है इन्होंने अपना तखल्लुस रख लिया दबीर, अपने उस्ताद की नस्बत से उन्होंने अपना तखल्लुस क्या रखा, दबीर, ताकि जो है वो मिलता जुलता रहे। ठीक, जिस तरीके से दबीर की आगे आगे मशहूरियत होने लगी और ये बड़े होने लगे, तो इनके वालिद मोहतरम ने जो है अपने रिश्तेदारों में ही अपने जो है रिश्तेदार हुए इनके सैयद मासूम अली, उनकी बेटी से जो है वो इनका क्या करा दिया, निकाह करा दिया। और निकाह करने के बाद इनके 2 लड़के और 1 लड़की हुई। 2 लड़कों में नाम आता है सबसे पहले मोहम्मद जाफर का जो है वो नाम आता है। इसके बाद दूसरा नाम आता है मोहम्मद हाशिम अतारुद का। ये 2 बेटे इनके पैदा हुए, मोहम्मद जाफर और मोहम्मद हाशिम, और एक लड़की हुई। ठीक है, तो ये जो है वो एग्जाम में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है इनके हवाले से। और जब ये लखनऊ आए, 11 बरस के थे, उसके बाद ये कभी लखनऊ को खैराबाद कहकर नहीं गए। और यहीं पर जो इन्होंने 1875 में क्या कहीं वफात पाई। लेकिन कभी कभी मरसिया पढ़ने ये बाहर जाया करते थे मजलिसों में। कोई बता सकता है मजलिसों में सबसे पहले क्या होता है, नोहे पढ़े जाते हैं, मरसिया पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है, या दुआ पढ़ी जाती है, A, B, C और D, सबसे पहले क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, रोया सरताज, गुड। क्या होता है, सबसे पहले सलाम पढ़ाया जाता है मजलिसों में, सलाम। और सलाम पढ़ने का जो रिवाज है,
मरसी में सलाम पढ़ने का जो रिवाज था या शुरू हुआ वो किसने किया? ध्यान रखना, वो किया था अनीस ने। अनीस ने ही सलाम जो है वो पढ़ना शुरू किया था मरसी में। और अनीस और दबीर में जो है वो क्या थी? अदबी चश्मक थी। अनीस व दबीर में जो है वो क्या थी? अदबी चश्मक थी। और अदबी चश्मक होने के बावजूद भी दोनों में क्या था? बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। क्योंकि जो दबीर थे उनका रंग जो है वो थोड़ा सा काला था, रंग काला था, लेकिन फिर भी अनीस जो है उन्हें मजाक में या दोस्त आने में उन्हें क्या कहते थे? हजरत यूसुफ कहते थे, हजरत यूसुफ। और हजरत यूसुफ किसके लिए मशहूर है? अपने खूबसूरती के लिए मशहूर है। तो उसको जो है वो अदबी चश्मक होने के बावजूद एक ताल्लुक आना या एक इखलाक जो है वो उनके अंदर अच्छा था। लेकिन दबीर जो है वो इस बात का क्या कभी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि दबीर का रंग जो है वो काला तो था लेकिन दिल के जो है वो बहुत साफ थे। इसीलिए उन्हें अनीस जो क्या कहा करते थे? हजरत यूसुफ कहा करते थे। और इन दोनों में जो है वो क्या थी? अदबी चश्मक थी, अनीस में और दबीर में। चश्मक होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा होता है कि हम एक दूसरे से क्या हो जाए, आगे बढ़ के जो है वो काम करें। और जब अनीस जो है वफात हुई अनीस की 1874 में, तो कहा जाता है कि दबीर ने उनकी वफात पर कथा कहा या उनके तारीखी वफात कही या कथा कहा। किसने? दबीर ने 1874 में। ठीक, कोई बच्चा बता सकता है कथा में कितने मिसरे होते हैं? कथा में कितने मिसरे होते हैं? कथा में कितने मिसरे होते हैं? चार होते हैं। वेरी गुड, शानदार। कितने होते हैं? चार। और ये जो 1874 में दबीर के इंतकाल पर उनकी कथा कही या उनकी तारीख की वफात कही, वो कही थी मीर बाकिर ताज। ये इमामबाड़ा है, लखनऊ में ही है, वहीं पर जो इन्होंने क्या की थी, इनकी तारीख विलादत या तारीख वफात कही थी, इमामबाड़े में, मीर बाकिर ताज के इमामबाड़े, 1874 में। और इसी साल 1874 में ही, क्योंकि आपको पता है 1871 में हैदराबाद का सफ़र किया था अनीस ने। कितने लोगों के साथ किया था? मैंने आपको बताया था बिल्कुल 6 लोगों के साथ किया था, जिसमें उनके दो बेटे भी क्या थे, शामिल थे। तो इसी तरह से 1874 में दबीर ने कलकत्ता का सफ़र किया था। और गर्ज क्या थी? गर्ज थी आंखों का इलाज। हालांकि दबीर को एक और मुश्किल थी और वो थी हाजमे की। इनका हाजमे जो है वो दुरुस्त नहीं था और इस वजह से भी जो काफ़ी परेशान रहते थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंदरजा जेल में से किसको हाजमे की शिकायत थी, तो दबीर को भी थी, नासिक को भी थी और अनीस को भी थी। तीनों को ही यहाँ पे जो है वो क्या थी, दिक्कत थी हाजमे की। और आंखों की गर्ज के इलाज के लिए ये कहाँ गए थे? कलकत्ता गए थे। कब? 1874 में। कलकत्ता जो है वो शुरू से ही उर्दू अदब का क्या रहा है? एक मरकज रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, पूछा भी जाता है कि गालिब ने पेंशन के लिए कहाँ का सफ़र किया था, पेंशन के लिए कहाँ का सफ़र किया था? कोई बच्चा बता सकता है? कलकत्ता का किया था। कब किया था ईयर बताना है, ईयर बता दीजिए। गालिब ने कलकत्ता का सफर कब किया था? अगर ऑप्शन नहीं पता या आंसर नहीं पता तो आप एन लिख दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई बच्चा बताइए। वेरी गुड, 1826 में किया था। किसके लिए किया था? पेंशन के लिए। और 1828 में जो है वो पहुंचे थे। एग्जाम में जो है ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा कलकत्ता में तो ये आंखों के इलाज के लिए गए थे, लेकिन उसके अलावा ये और जगह भी गए थे, लेकिन वो सिर्फ मरसिया पढ़ने की गर्ज से गए थे। जैसे लखनऊ में तो ये आए थे, तो यहाँ पे मरसिया पढ़े दिल्ली से। इसके बाद फैज़ाबाद में भी ये पढ़ने गए। इसके बाद अजीमाबाद में भी इन्होंने मरसिया पढ़े, अजीमाबाद में भी। इसके बाद बनारस में भी, और बनारस के बाद सीतापुर में भी। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर जो है इन्होंने मरसिया पढ़े। और लखनऊ में एक नवाब हुए हैं जिनका नाम है वालिद अली शाह। इनके दरबार में भी जो है इन्होंने मरसिया पढ़े हैं। और इनके
दरबार में या इनको सुनने के बाद वाजिद अली शाह ने एक बात कही या उनके मुतालिक एक कौल कहा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं कम सनी से आशिक नज़्म दबीर हूँ, मैं कम सनी यानी कि कम उम्र, मैं कम सनी से आशिक नज़्म दबीर हूँ, नज़्म दबीर हूँ, मैं कम सनी से आशिक नज़्म दबीर हूँ, वल्ला लुत्फ़ शेर में इसके असीर हूँ, वल्ला लुत्फ़ शेर, वल्ला लुत्फ़ शेर में इसके असीर हूँ। तो ये बात किसने कही? लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने कही थी। किसके मुतालिक कही थी? दबीर के मुतालिक कही थी। मैं कम सनी से आशिक नज़्म दबीर हूँ, वल्ला लुत्फ़ शेर में इसके असीर हूँ। ये बात किसने कही थी? ये बात कही है नवाब वाजिद अली शाह ने, जो कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के नवाब थे। इसी के ताल्लुक से दबीर ने मरसिया गोई में भी तबाज़मई की है, मसनवी में भी तबाज़मई की है, और इसके अलावा रुबाई में भी तबाज़मई की है, और गज़ल में भी जो उन्होंने तबाज़मई की, यानी कि उर्दू की बहुत सारी इसनाफ ऐसी हैं जिसमें इन्होंने जो तबाज़मई की है। लेकिन जो इनको मकबूलियत मिली है या जो मशहूर हुए हैं वो हुए हैं मरसिया के हवाले से। तो इनके कुछ अहम मरसिया भी लिखेंगे, इनकी कुछ मसनवी भी लिखेंगे। रुबाइयाँ और गज़ल जो है वो इतनी अहम नहीं, ठीक। जैसे अगर हम बात करें मसनवी की, तो इनके दीवान में या इनके कुलियात में तीन मसनवी का जिक्र है। और तीन कौन कौन सी मसनवी हैं? पहली मसनवी है मसनवी एहसानुल कसस, मसनवी एहसानुल कसस, काफ स्वाद और स्वाद, मसनवी एहसानुल कसस, ठीक। इसके बाद दूसरी है मसनवी मेराजनामा, मसनवी मेराजनामा, और तीसरी मसनवी है मसनवी मुमताज़ नामा, मसनवी मुमताज़ नामा। ये क्या है? इनकी तीन मसनवी हैं, एहसानुल कसस, मेराजनामा और मुमताज़ नामा। इसके बाद रुबाई भी है इनकी, लेकिन वो इतनी अहम नहीं है। लेकिन रुबाई के हवाले से एक कॉल एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है इमदाद इमाम असर का। कॉल है इमदाद इमाम असर का, अनीस व दबीर ने, अनीस व दबीर ने, अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई की शर्म रख ली, अनीस व दबीर में उर्दू रुबाई की शर्म रख ली, शर्म रख ली। और ठीक यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई की शर्म रख ली। उर्दू अदब में सबसे मशहूर दास्तान कौन सी है? उर्दू अदब में सबसे मशहूर दास्तान कौन सी है? उर्दू अदब में सबसे मशहूर दास्तान कौन सी है? बाग बहार। और उर्दू अदब में सबसे शाहकार नावल कौन सा माना जाता है? उर्दू अदब में सबसे शाहकार नावल कौन सा माना जाता है, या सबसे मशहूर नावल कौन सा माना जाता है? आकदरिया। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद तो कहीं नहीं एग्जिट करेंगे, बिल्कुल। गोदान को माना जाता है उर्दू अदब में, जो सबसे मशहूर नॉवल है वो माना जाता है गोदान को। ठीक उसी तरह से उर्दू की या उर्दू में सबसे अहम, सबसे अहम रुबाई का मजमुआ कौन सा है? उर्दू में सबसे अहम रुबाई का मजमुआ कौन सा है? अनीस व दबीर का नहीं, ठीक। हाँ बिल्कुल, जो है सरताज ने सही जवाब दिया, आंसर हो जाएगा रूप। ये किसका है? फिराक गोरखपुरी का, फिराक गोरखपुरी का। और फिराक गोरखपुरी किस तनकीद से वाबस्ता है? फिराक गोरखपुरी किस तनकीद से वाबस्ता है, यानी किस तनकीद के रहबर है? तो याद रख लेना, तासुराती तनकीद से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी का ताल्लुक हमेशा से तनकीद का ताल्लुक तासुराती तनकीद से रहा। तो इसमें जो है ये कुछ सवाल थे इनके हवाले से, दबीर के हवाले से, रुबाई के, मसनवी के। हालांकि एग्जाम में जो है वो आपसे इनके मरसिया भी पूछे जा सकते हैं कि इनका मरसिया कौन सा है, ठीक। तो इनके कुछ अहम मरसिया जो है वो हम लोग लिख लेंगे, ताकि एग्जाम में जो है वो हमें याद रहे, ठीक। इनका जो सबसे मशहूर मरसिया आ जाता है वो माना जाता है किस शेर की आमद है से रंग कांप रहा, किस शेर की आमद से, किस शेर की आमद, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा, रंग कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। ये इनका एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही महबूब क्या मरसिया है। इसके बाद दूसरा लिख लीजिएगा, वसत खुदा का कुव्वत बाजु हुसैन है, सॉरी दस्ते खुदा है, दस्ते खुदा का, दस्ते खुदा का कुव्वत बाजु हुसैन है, दस्ते खुदा का कुव्वत बाजु हुसैन है। ये भी क्या है? इनका एक मशहूर मरसिया है दबीर का। इसके बाद नेक्स्ट लीजिएगा, किसका इल्म हुसैन के मिंबर की जेब है, किसका इल्म हुसैन, किसका इल्म हुसैन के मिंबर की जेब है।
जेल है। आप लोग जानते हैं मिंबर किसे कहा जाता है? किसका इल्म हुसैन के मिंबर की जेल है, किसी बच्चे को पता है? कुछ बच्चों को पता होगा, उम्मीद है मुझे इस तरह की। हाँ, जहाँ पे खुतबा दिया जाता है, और खुतबा जहाँ दिया जाता है वहाँ पर सिर्फ आलिम ही क्या होता है, बैठ सकता है। आलिम ही क्या होता है, बैठ सकता है। इसीलिए जो है वो उसको इल्म का जो है वहाँ से बताया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, मिर्ज़ा दबीर का ही एक और मरसिया है। पैदा शुआ महर की मकरास जब हुई, पैदा शुआ महर, पैदा शुआ महर की मकरास जब हुई, जब हुई, पैदा शुआ महर की मकरास जब हुई। ये भी क्या है, इनका एक मशहूर मरसिया। इसके बाद आमद है ताजदार सुरैया, आमद है, आमद है ताजदार, आमद है ताजदार सुरैया, आमद है ताजदार सुरैया जनाब की, आमद है ताजदार सुरैया जनाब की। इसके बाद जब रन में इब्ने शरीर, जब रन में, जब रन में इब्ने शेर, जब रन में इब्ने शेर खुदा का हमला वर हुआ, हमलावर हुआ, जब रन में इब्ने शेर खुदा का हमलावर हुआ, जब रन में इब्ने शेर खुदा हमलावर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जर्रा है आफ्ताब दरबू तराब का, जर्रा है, जर्रा है आफ्ताब दर, जर्रा है आफ्ताब दर बू तराब का। ये भी क्या है, मीर दबीर का मरसिया है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, काबा है एक दरीचा ईवाने करबला, काबा है एक दरीचा, काबा है एक दरीचा ऐवाने करबला, काबा है एक दरीचा ईवाने करबला। इसके बाद एक और है, जब रन में, जब रन में आस्तीने, जब रन में आस्तीने चढ़ाई हुजूर ने, जब रन में आस्तीने चढ़ाई हुजूर ने, जब रन में आस्तीने चढ़ाई हुजूर ने। ठीक, इसके बाद एक और लिख लीजिएगा और लास्ट लिख लीजिएगा, ऐ शमशो कमर नूर की महफिल है, ऐ शमशो कमर, ऐ शमशो कमर नूर की महफिल है, ऐ शमशो कमर नूर की महफिल है ये महफिल, ऐ शमशो कमर नूर की महफिल है ये महफिल। ठीक, ये कुछ इनके मरसी हैं एग्जाम के हवाले से, जो आपको याद रखने हैं और इसी में से जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अनीस और दबीर के ताल्लुक से जो है वो कुछ किताबें एग्जाम में पूछी जाती हैं, अनीस की मैंने आपको कल लिखवा दी थी, और आज जो है मैं आपको दबीर की कुछ किताबें लिखवाऊंगा, तो नोट कर लीजिएगा। जैसे दबिस्तान दबीर, दबिस्तान दबीर ये किसकी किताब है, जाकिर हुसैन फारूकी की, जाकिर हुसैन फारूकी की ये तसनीफ है। इसके बाद मिर्जा सलामत अली दबीर, मिर्जा सलामत अली दबीर ये किसकी है, मोहम्मद जमा की, मोहम्मद जमा की, मिर्जा सलामत अली दबीर ये तसनीफ है मोहम्मद जमा की। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी, मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी ये किसकी तसनीफ है, ताहिर हुसैन काजमी की, ताहिर हुसैन काजमी की तसनीफ है मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी, मरसिया निगारी। इसके बाद मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी, सॉरी सॉरी छोटा सा करेक्शन बेटा, राइटर गलत है, मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी का मुसन्निफ है एस ए सिद्दीकी, एस ए सिद्दीकी, ताहिर हुसैन की अगली वाली है, मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी है एस ए सिद्दीकी की, मिर्जा ताहिर हुसैन की है, मिर्जा ताहिर हुसैन की है, मासरान मिर्जा दबीर तकाबिल मुताला, मासरीन, मासरीन मिर्जा दबीर का या मिर्जा दबीर तकाबिल मुताला ये है मिर्जा ताहिर हुसैन की, मिर्जा ताहिर हुसैन की। तो ये कुछ किताबें हैं जो दबीर के हवाले से, ठीक है, तो ये आपके दबीर भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इससे ज़्यादा दबीर से हवाले से एग्जाम में जो है वो आपसे नहीं पूछा जाता।